ओम शांति। तो आदरणीय राजयोगिनी गुलजार दादी जी और जानकी दादी जी के साथ प्रश्न उत्तर की चर्चा हम सुन रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं कल के सत्र से। प्रश्न, कुछ रत्न बहुत समीप होते, कुछ दूर रह जाते। यज्ञ की पालना कॉमन है, चाहे वो मधुबन है चाहे सेवा केंद्र, लेकिन किसी किसी का कनेक्शन बड़े यज्ञ के साथ अधिक है। हम सब भी यज्ञ के समीप आ जाए उसके लिए आप कोई राज बताएं। तो दादी जानकी जी उत्तर दे रही है इसका। यज्ञ में समर्पण होना माना मेरा कुछ नहीं, बाबा को फॉलो करना माना मन वाणी कर्म श्रेष्ठ हो। अंदर रहते हैं या यज्ञ से बाहर सेवा पर जाते हैं, हमारा तो यही काम है कि सफल करना है और सफल कराना है। ये कभी भूले नहीं, ब्राह्मण वो जो सफल कराना सीखे। सेंटर बाबा का स्थान है, इसलिए कोई ये नहीं समझे कि ये फलाने का सेंटर है। बाबा के स्थान में जो कोई कुछ भी सफल करता है उसे हम अपना समझ के यूज न करें, और देने वाले भी ऐसे न समझे ये हमने दिया है या हम कर रहे हैं, ये भी नहीं ख्याल कर सकते। तो यज्ञ से इतना सच्चाई और प्रेम का हमारा जो संस्कार है वो हमें यज्ञ के समीप लाएगा। भले सबका पार्ट अपना है, फिर भी दादियों के पुरुषार्थ में समानता है। यज्ञ, बाबा और परिवार हर एक के दिल में नेचुरल बनावटी नहीं है, टेम्पररी नहीं है। ऐसे नेचुरल प्यार हो तो समीप आएंगे। दूसरा प्रश्न, कई सोचते हैं मधुबन में तो करने वाले बहुत है, अपने सेंटर पर तो दो चार ही है, पहले अपना ध्यान रखना चाहिए या मधुबन का, क्योंकि अपना सेंटर भी तो संवारना है। उत्तर, जो बेहद यज्ञ में जितना करता है उतनी उसकी बरकत होती है, उसे कभी कमी नहीं पड़ती। लेकिन जो सोचता है यज्ञ में बहुत करने वाले हैं, उनके पास कभी बरकत नहीं होती। अगर मेरे अंदर यज्ञ के प्रति प्यार नहीं है तो देने वाला भी प्यार से नहीं देगा, उसका यज्ञ से प्यार कैसे जुटेगा, वह बाबा के समीप कैसे आएगा। इसलिए हर बात में पहले यज्ञ याद आना चाहिए। ये है भावना, यज्ञ के प्रति जितनी भावना रखो, हमारा तो भला सबका भला इसमें ही है। हमारे तन मन को संबंध को शक्ति देने वाला यज्ञ है। ट्रामा प्लान अनुसार बाबा ने ऐसे संस्कार बनाए हैं, आज भी इसी आधार पर मैं जी रही हूं। यज्ञ का पहन रहे है, विदेश की कोई चीज यूज नहीं करती हूं, यज्ञ का ही पहनती हूं। तो तन की संभाल भी यज्ञ से हुई है, यज्ञ का खाया है, यज्ञ की सेवा की है, उससे मन भी मजबूत है। कोई चलायमान या डोलायमानी नहीं हो सकती। कोई मेरी खास खातिरी करे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना नशा खुशी है जो कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि करनी से नशा होगा, धारणा से खुशी होगी। प्रैक्टिकली नर करनी ऐसी करे तब नर नारायण बने, लक्षण ऐसे धारण करेंगे तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। तो करनी और कथनी, जो कहते हैं वही करना है, इसलिए करनी और कथनी समान हो। कोई जरूरत नहीं है बताने व पूछने की, लेकिन प्रैक्टिकल करने की है। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।